हाँ जी तो मैंने वहाँ पर एक यूटेंसिल्स की शॉप थी, मेरे को वहाँ पे एक वाटर बॉटल पसंद आ गई। मैंने कहा अपनी वाइफ को, मैंने बहुत अच्छी लग रही है, दिल्ली में तो ऐसी नहीं मिलती। मैंने उसको पूछा रेट क्या है, उसने थोड़े टेढ़े से आवाज़ में बोला 800 रुपये है, बड़ा अजीब सा बोला उसको। हाँ। उसके बाद वो वहाँ पर वो करताल रखी थी, मैंने उसको बजा के देखने लगा। मैंने कहा चल देखते करताल ले लेते हैं, कह रहे तो बिकी हुई है, उसने थोड़ा टेढ़े तरीके से बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, बिकी है तो बजा के देख तो सकते हैं। कह रहे नहीं हाथ भी मत लगाना। उसने इतना भी कह दिया, सर इस सिचुएशन में कैसे आपकी ईगो हर्ट हो गई? नहीं वो तो जो भी कुछ है, बट उसको तो नहीं पता ना ये बात। ना 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 ना, आपको पता है, हो सकता उस आदमी का बोलने का स्टाइल ही ये है और वो प्यार से ही बोल रहा है, लेकिन आपकी ईगो हर्ट हो गई। आपकी नजर में वो बदतमीजी है, लेकिन उस आदमी का वो कॉमन तरीका है बात करने का। समझ रहे हैं आप ऋषिकेश घूमने गए परिवार के साथ। जी जी। इस इवेंट के बाद कितना टाइम खराब हो गया आपका वापस माइंडसेट लाने में? आधा घंटा तो लगा। आधा घंटा खराब बर्बाद हो गया ना। ऑब्वियसली बजाय इसके अगर मैं जाता और मेरे को कोई बोलता हाथ मत लगाओ, चलो भाई सब कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, हम अगली दुकान पे चलते। मैं अपना कीमती आधा घंटा किसी एक घटिया आदमी को दे नहीं सकता। आप दे आए अपना आधा घंटा, मैं नहीं दे सकता। क्लियर हो रहा है आपको? थोड़ा सा और सर, और मैं बताता हूं, ये आपका वैल्यू सिस्टम नहीं है। दिस इज नॉट अ वैल्यू सिस्टम कि सामने वाला कोई आदमी ठीक से बात नहीं करेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उसकी दुकान है, उसकी दुकान है, उसका सामान है, उसका अधिकार है कि वो आपको टच करने दे या ना करने दे। गेटिंग माई पॉइंट? ओके राइट। आप चलकर गए, उसने आपको बुलाया तो नहीं, या बुलाया था आ जाओ बुलाया था? मैं समझ आप चल कर गए, देन वॉट? वो सही से नहीं बोल रहा थैंक यू वेरी मच यार, चल दूसरी दुकान। सिंपल लाइफ में चीजों को सिंपल लेकर चलो। हम लोग दिल पे लगा, हमारी ईगो हर्ट क्यों? अब बुरा तो नहीं मानोगे आप ब्रजेश भाई, नहीं, आप नहीं। इतने बड़े वकील हो, अब आपके सामने 500-700 लोग यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अब जब आप किसी दुकान पे घुसे तो आप उम्मीद कर रहे थे कि वो भी आपको गुड मॉर्निंग सर बोलेगा। नहीं ऐसा एक, नहीं था। मैं बता रहा हूं। हाँ, और वो ऐसा बिहेवियर आपको नहीं मिला तो आपको हर्ट हो गया। बेसिक पॉइंट जो मेरे माइंड में क्लिक किया ना, वो ये था कि एक बेसिक कट सी होती है किसी भी शॉप नहीं है उसके पास। हाँ उसके पास नहीं है, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार एटलीस्ट बेसिक कट सी जो है। कभी भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, चाहे वो आपके परिवार वाले हो, चाहे वो बाहर वाले हो, किसी दुकानदार से तो बिल्कुल ही उम्मीद मत रखो यार। राइट सर? हो सकता है वो बीवी से लड़के आया हो। इसको कैसे लेके, इसके अंदर रेजिलियंस बहुत सिंपल है। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप मेरे से बदतमीजी से बोल रहे हो, मैं हॉलीडे पर आया हूं, मैं अपना आधा घंटा तुम्हारे को दे नहीं सकता, थैंक यू वेरी मच, चलो अगली दुकान। नुकसान उसने अपना किया, सेल होती उसकी, उसने अपना नुकसान कर लिया, आप दूसरी दुकान से खरीद लो, खत्म बात। वो हमारी उम्मीद, हमारी एक्सपेक्टेशन है, राइट? एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जी सर, अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में देखें तो डुप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं। जी तो यदि हमारी टीम का कोई व्यक्ति जो हमारे डाउनलाइन में है, अगर वो गलत तरीके से बोल रहा है तो हाँ। हमें कैसा लगेगा? तो आपको बुरा लग रहा है, लगेगा, लेकिन अब आपकी मर्जी, अपना रिमोट उसको देते होगे नहीं। डाउनलाइन वाला व्यक्ति मुझे गलत बोल रहा है, बुरा लगेगा, लेकिन ये मेरी ईगो प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, दो काम करने हैं, या तो उसको समझा दो कि देखो भाई आपका ये तरीका गलत है, इस बिजनेस में ऐसा नहीं चलता है, आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी होगी, या तो ये समझा दो, राइट? अगर वो समझने की स्थिति में नहीं है तो उसको इग्नोर कर दो, अपना रिमोट उसको मत दो। डुप्लीकेशन मतलब अगर तो उसको सिस्टम से बाहर करना होगा, नहीं सीख रहा तो। और अगर कोई अपलाइन कर रहा है तो? हाँ जी अपलाइन कर रहा है तो छोड़ दो, अपलाइन जरूरत ही नहीं, मैं हूं ना। देखो एक मैं बता रहा हूं,
हम लोग उम्मीद करते हैं मेरा एक अपलाइन होगा, जैसे वो कहते हैं ना फिल्मों में हर एक लड़की को अपना जो होने वाला पति होता है वो एक घोड़े पे सवार होता हुआ आता दिखाई देता है, राजकुमार आएगा। अरे भाई राजकुमार कहाँ है आजकल, कोई भी नहीं है, है ना। ऐसे ही हर एक व्यक्ति को अपना अपलाइन दुनिया का सबसे सही बंदा दिखता है, वो घोड़े पर सवार होके आएगा, चल मैं तेरे प्लान शो करूंगा, चल मैं तेरे फॉलोअप करूंगा। ऐसा कई बार नहीं होगा, कई बार अच्छे लोग आपको नहीं मिलेंगे, इग्नोर देम, आप आगे बढ़ो, इग्नोर देम, आप आगे बढ़ो, इग्नोर देम, आप आगे बढ़ो। क्लियर हुआ मैम? सॉरी, ये सबसे पावरफुल चीज अब आई है, एम्ब्रेस द पावर ऑफ येट। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल आइडिया क्या है। व्हेन एवर यू फाइंड योरसेल्फ थिंकिंग आई कांट डू दिस, जब भी कभी आपको लगे मैं इसे नहीं कर सकता, आपने सिर्फ मेरे कहने पर एक शब्द जोड़ना है और वो है येट। क्या है? Y-E-T, yet, yet को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ जी, yet and but, ये दो शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे। जितने लोग इस समिट में आए हैं मेरी तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट है ये दो शब्द, yet and but, लिख लीजिएगा। Use it throughout your life and you will see कोई भी negativity आपके पास फटक नहीं पाएगी। एक ऐसा हनुमान चालीसा है, कोई भी negative चीज आपके पास नहीं आ पाएगी। Yet and but, these are two magical words। लिख लिया आपने? दोस्तों जब आप ये दो चीजें ऐड कर देते हैं किसी भी चीज का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब मैं आपको ये इसका तरीका बताता हूं, इसको करके बताता हूं। और सबसे बड़ा तरीका क्या है? आई एम नॉट ऑन टॉप पोजीशन। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना मैं टॉप पोजीशन पे नहीं हूं, है ना, कोई और है। आपने सिर्फ दो शब्द बोलने हैं, आई एम नॉट ऑन टॉप पोजीशन येट, मैं अभी टॉप पोजीशन पर नहीं हूं, बट आई एम गोइंग ऑन टॉप वेरी सून। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। मेरे जेब में अभी 100 करोड़ नहीं है, आई डोंट हैव 100 करोड़ इन माई पॉकेट येट, अभी नहीं है, बट आई एम गोइंग टू अर्न इट वेरी सून। हेलो, समझ में आ रहा है? आई एम नॉट अर्निंग, कई लोग ये क्या कहते हैं, आई एम नॉट अर्निंग गुड अमाउंट, गुड मनी, आई एम नॉट अर्निंग गुड अमाउंट येट, अभी नहीं कमा रहा हूं, बट आई एम गोइंग टू अर्न इट वेरी सून। कैन यू डू दिस? दिस इज द ग्रोथ माइंडसेट। ये छोटी छोटी चीजें आपकी ग्रोथ को इतनी ऊपर ले जाती हैं कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि यार आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। क्लियर? एनी डाउट? क्या आप अपने सेंटेंसेस को चेंज कर लोगे अब? Yes. कोई एक नेगेटिव सेंटेंस बोलेगा यहां से? कोई एक नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी नेगेटिव वाक्य कौन बोलेगा? माई टीम इज नॉट वर्किंग, माई टीम इज नॉट वर्किंग येट, बट माई टीम इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव वेरी सून। चेंज, चेंज, और ये छोटा सा पर्सपेक्टिव आपका माइंडसेट पूरे तरीके। क्लियर? मेरे वीडियोस पर अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं, वो तूफान क्या, मेरे वीडियोस पर अभी चट्टाने जिसको लाइक्स नहीं आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन अगर मैं वीडियो लगातार बनाता रहूंगा तो व्यूज बढ़ जाएंगे। पर्सपेक्टिव चेंज, क्लियर, गुड। सो दोस्तों ये था
ग्रोथ माइंडसेट, आपको कैसा लगा ये टॉपिक? क्या आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा? आएगा? मजा आया? सीखने को मिला? और सीखना है? सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए. आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं, क्योंकि आप इतनी देर तक सुन रहे हैं. आजकल कोई किसी को नहीं सुनता. इतनी दूर दूर से आए हो सुनने के लिए, पैसे देकर सुन रहे हो, क्या बात है. एक बहुत बड़ा सैल्यूट आप लोगों के लिए. और यकीन मानिए, ये दो दिन आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदलने के लिए सक्षम है.